देखो एडिटिंग अच्छी होना जरूरी है, सबको पता है, लेकिन स्पेशली यूट्यूब के लिए वीडियोस हमारी बहुत अच्छी एडिट होनी चाहिए। इसके पीछे हमारे दो रीजंस हैं, जिसमें सबसे बड़ा रीजन है हमारी ब्रांड डील्स। चाहे आपके व्यूज कम भी आए, लेकिन अगर आपकी एडिटिंग अच्छी है, आपका कॉन्टेंट बेटर है, तो आपके पास ब्रांड डील्स बहुत इजिली आ सकती है। अब जैसे मेरे पास ये डब्बा आया था, ब्रांड डील है। ये 20,000 का डॉकिंग स्टेशन आया, ब्रांड डील है। एक और पैकेज अभी आया हुआ है, ये भी ब्रांड डील है। देखो सबको लगता है कि जितने ज्यादा व्यूज उतनी ज्यादा ब्रांड डील्स हमें मिलेगी, तो ऐसे नहीं है। अगर आपका कॉन्टेंट अच्छा है, आपकी एडिटिंग अच्छी है, तो वहां पे आपको इजीली ब्रांड डील्स मिल सकती है। अब मैं करना चाहूं तो हफ्ते की 2 ब्रांड डील्स मैं इजीली कर सकता हूं। अभी 1,00,000 सब्सक्राइबर होने के बाद मैं करूंगा भी उसको, लेकिन अभी थोड़ा साइड रखते हैं उसको। आज हम बात करेंगे कि कैसे कॉमेडी वीडियोस को आपको एडिट करना चाहिए, ताकि आपके भी कम व्यूज के अंदर अंदर आपका कॉन्टेंट अच्छा बन जाए और आपको भी अच्छी खासी ब्रांड डील्स मिलने लगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे साउंड इफेक्ट्स की, जो सबसे ज्यादा लोग पूछते हैं कि यार साउंड इफेक्ट्स कहां से मिलेंगे, क्या लिख के सर्च करें, क्या नाम होता है उनका और कैसे हम उसको लगा सकते हैं। तो देखो 5 या 7 तरीके के साउंड इफेक्ट्स मुश्किल से होते हैं, और यही 5 से 7 तरीके के जो साउंड इफेक्ट्स है, पूरा यूट्यूब सिर्फ इन्हीं को यूज करते हैं। जी हाँ, पूरा यूट्यूब। अब इनके नाम आप लिख लो या फिर कहीं गूगल पे सर्च कर लेना, आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे। राइजर्स, वुश, ग्लिच, हिट्स, शटर क्लिक, और आप कीबोर्ड टाइपिंग आप ले लो। ये 5, 6, 7 तरीके के साउंड इफेक्ट्स हैं जो पूरा YouTube यूज करता है, और यही चीज आप लिख के जब टाइप करोगे ना, चाहे YouTube पे चाहे Google पे, आपको मिल जाएंगे। अब Pixabay, Mixkit जैसी 2-3 वेबसाइट्स हैं जो फ्री में आपको ये सारे साउंड इफेक्ट्स वहां पे मिल जाएंगे, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो ये तो हो गया हमारा पहला सवाल कि भैया साउंड इफेक्ट्स कहां से मिले। अब आते हम दूसरे मेन सवाल के ऊपर कि कलर ग्रेडिंग उनकी तरह कैसे करें। अब राउंड टू हेल की तरह कलर ग्रेडिंग मैंने वैसे सेपरेट वीडियो में भी सिखा रखी है, लेकिन शॉर्टकट में आपको समझा दूं। मान लो आपको उनकी किसी वीडियो की तरह सेम लुक अपनी वीडियो में चाहिए, तो सिंपली उनकी वीडियो का स्क्रीनशॉट लो, उसको उठा के प्रीमियर प्रो के अंदर अपनी वीडियो के साथ में रख लो। अब इसके बाद आपको सिर्फ जाना है ल्यूमेट्री कलर में, वहां पर व्हील्स एंड मैच का जो ऑप्शन है, इसके ऊपर जब क्लिक करोगे, यहां पर कंपैरिजन व्यू आपको दिखाई दे रहा है। कंपैरिजन व्यू पे क्लिक करते ही 2 विंडो आपकी स्क्रीन पे खुल जाएगी, और उस पे बस जाके आपको अप्लाई मैच करना है और आपकी वीडियो पे सेम लुक आ जाएगी। ये आपका एक बेसिक 80% काम हो जाएगा। इसके बाद आपको लाइट्स वगैरह एडजस्ट करनी पड़ेगी एडिटिंग में, वो हो जाएगा। अगर डिटेल में आप सीखना चाहते हो तो ये वाली वीडियो आप हमारी जाके देख लेना। अब आते हैं हम अपने मेन पार्ट पर कि स्टोरी में कट कैसे किए जाए। तो देखो अगर आपको स्टोरी बना रहे हो यूट्यूब वीडियो पे, जैसे शॉर्ट फिल्म्स होती है, उसका कोई ऐसा पर्टिकुलर रूल नहीं है कि यहाँ पर ऐसा कट लगना चाहिए। आप उस फिल्म के डायरेक्टर हो, आप एडिटर हो, तो आपका विजन है आपको किस तरीके से वो फिल्म दिखानी है। लेकिन एक फिल्म का, स्पेशली यूट्यूब फिल्म के, कुछ बेसिक रूल्स होते हैं ताकि हमारी जो एंगेजमेंट है वो ड्रॉप ना हो, जिसकी वजह से हमारे व्यूज ज्यादा आए और हमारे चैनल पे अच्छी रीच बनी रहे। तो वो जो फिल्म्स के लिए हमारे रूल है वो मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें सबसे जरूरी काम है हमारा एंगेजमेंट को बना के रखना। अब इसमें सबसे पहली चीज आपको करनी चाहिए, अगर आपकी वीडियो की एंडिंग अच्छी नहीं है, तो आप उस वीडियो को या तो मत डालो, या फिर बेस्ट तरीका ये है कि उस एंडिंग को डिलीट करके आप कुछ भी एक ट्विस्ट सा जो आपकी वीडियो के बीच में है, वहां पर वीडियो को खत्म कर दो और Part 2 कमिंग सून लिख के ऐसे डाल दो। 7 मिनट की एक बोरिंग वीडियो देखने की जगह ऑडियंस जब 4 मिनट की एक इंटरेस्टिंग वीडियो देखेगी, तो वो Part 2 का भी वेट करेगी। वहां पर आप साथ के साथ एक काम कर सकते हो कि जो आपकी एंडिंग होगी उसके लिए आपको टाइम मिल जाएगा, तो आप दोबारा से उसको अच्छा सोच के, अच्छा बना के, उसको 2-3 मिनट का भी बना के आप डाल सकते हो। तो 4 मिनट की वीडियो, 1-2 मिनट की वीडियो जो अलग अलग पार्ट में होगी, दोनों इंटरेस्टिंग होगी, तो आपकी एंगेजमेंट ऑलरेडी बेटर बनी रहेगी। तो ये जो एंगेजमेंट वाला काम है, ये आपको अपनी शॉर्ट फिल्म के अंदर ध्यान जरूर रखना चाहिए। लोग अक्सर यही गलती करते हैं कि यार कॉमेडी वीडियो बनानी है तो चाहे 10 मिनट की बना दो। कॉमेडी वीडियो को हमें इस हिसाब से भी बनाना पड़ेगा कि हमारा ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट रेशियो बना रहे। राउंड टू हेल, हर्ष बेनीवाल, आशीष चंचलानी, ये सब तभी इसी वजह से बड़ी वीडियो बना पाते हैं। ये 4-4, 6-6 महीने लेते हैं कि उसकी एंगेजमेंट को पूरा अच्छा बनाए रखने के लिए। तो आपको भी ये कदम जरूर उठाने चाहिए। आप बड़ी वीडियो ना बना के छोटी 2 वीडियोस आप बना सकते हैं। इसी के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में, और 1,00,000 सब्सक्राइबर्स के हम बहुत करीब हैं, वो करवा दो यार जल्दी से, मजा आ जाएगा।